देख रहे हैं रक्षा खबर। दोस्तों आप देख रहे हैं रक्षा खबर। इस समय मैं उपस्थित हूँ चैलाहा 2 नंबर वार्ड में। यहाँ पर घटी एक घटना जो दिल दहला देने वाली घटना है, और जो घटना स्थल पर हम पहुँचे हैं आगे का दृश्य भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मिल गए जिनकी मृत्यु हुई है उनके भाई, और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या उनके साथ हुआ। देखिए हम लोग तो सुबह कमाने चले जाते हैं, उसके बाद में क्या काम करते हैं? हम ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं तो हम सुबह ट्रैक्टर लेके निकल गए घर में आए। यानी कि आपके भाई का क्या नाम था जो मर गए? कमलेश गोसाई। कमलेश गोसाई क्या करते थे? रिक्शा चलाते थे। और यहाँ पर वो क्या करने आए थे? मैंने कि साँझ के आए थे, अपना सो गए थे, रात में सब क्या किया कोई पता नहीं। सुबह हुआ कमलेश सोहनी शादीशुदा थे। कमलेश गोस्वामी शादीशुदा थे। तो कमलेश गोस्वामी जो है उनके कितने बच्चे हैं? उनका 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटी है 1 बेटा है। तो कैसे मौत हो गया उनका? देखिए इस घर में तो बहुत आदमी आता है जाता है, हम लोग बोलते हैं तो कहती है कि अपने में हम रंडी खाना खाए ना खोले से पिताजी करे फर्जी की बेटा है, इसलिए आदमी कोई नहीं खोलता है। आपके भाभी का क्या नाम पड़ेगा? कहाँ घर पड़ता है? लव स्टोरी शादी के साथ बता दूँ आगे जो है यही साथ चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उस घटना स्थल पर जहाँ पर उनकी लाश पड़ी हुई थी, उसका भी मुआयना कराएंगे और दिखाएंगे कैसे क्या हुआ। प्रशासन जो है लाश को पोस्टमार्टम कर चुकी है, और ये जो है मैं आपको बता दूँ यही जो घटना स्थल है। यहाँ पर इनके भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर मेरे भाई का लाश पड़ा हुआ था, और यहाँ पर इसके बाद वो लाश कहाँ चला गया? तो हम देखे वहाँ पे पड़ा था, उसके बाद में हम आए उधर से कॉल करके पुलिस को, तो यहाँ पे उलिया के रख दी थी, तो पूरा लोग भीड़। यहाँ पर इनका कहना है कि वहाँ से यहाँ पर लाश इनकी भाभी जो है उठा कर लेटा चुकी थी, और ये उनका घर है घर में। और इस घर में क्या हुआ था? घर में देखे थे तो इधर अरिया पूरा खून था, उधर घर में खून था। जब लोग कोठ हुआ तो उसके बाद में जाके पूरा लीक। तो आपको क्या लगता है आपके भाई का मर्डर किया गया है या क्या किया गया है? हमको तो उम्मीद है कि मेरा भैया अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, कि मेरी भाभी जो है वो दूसरा कोई से करवाए। गजादर शाह है, वो मेरा भैया से सड़वाना का नाता था क्यों 5-6 साल से। इसका घटर वटर कुछ होता था तो रात बिरात आता था आदमी। तो हमको शक लग रहा है कि गजादर सहनी हो सकता है मेरी भाभी, कि दूसरों कोई के मैंने कि यथी से मिल के किया है, मेरी भैया मैंने अपना से नहीं किया है। इसी घर में वो लोग रहा करते थे। हाँ इसी घर आपको बता दूँ जिस घर में वो रहा करते थे इनके भाई साहब और भाभी, और यहाँ बता दूँ यहाँ पर वो लोग रहा करते थे। और इस घर में रहने के बाद बावजूद उनका जो लाश है वो सामने वाले झोपड़ी में पड़ा हुआ था। आइए भैया, यहाँ पर लाश पड़ा हुआ था, उसके बाद में जब प्रशासन आई तो यहाँ पर रख दिया गया था। प्रशासन कितने बजे आपके भाई का लाश ले गए? तो मैंने कि मैं कॉल करे, उसके बाद आधा घंटा में मैंने 10-15 मिनट पे प्रशासन आया, उसके बाद में हम पूरा शॉर्ट खोले। कौन थाना आपके पास आया था? बंजरिया थाना। प्रशासन आपको क्या उस समय आश्वासन दे के गई? तो प्रशासन आया तो खोले वोले तो उसका पूरा करे जो है जैसे लग रहा था पीछे से मारा है, भीतर या थोड़ा थोड़ा दाग का पूरा निशाना था, माछी झुक रहा था तो बीच पर भी पूरा घोपे का चीना था, बहुत पीटा था उसको। हम वो पूरा मैंने कि पिटाई से ओठ फूल गया था। तो हमको लग रहा है कि उसको मुँहाया गया, मेरी भाभी किसी से मुँहाई है मेरी भाभी बता सकती है कौन कौन है। अब इतना हम तो एक बार नहीं देखे कि कौन क्या। आपको क्या लगता है प्रेम प्रसंग का मामला हो? हाँ हो सकता है ये प्रेम है, हो सकता है सोलाना का नाता है, तो हो सकता है नजदीकी, हम तो दूसरा के नहीं जानते। मैं इस बात की सब पुष्टि नहीं करता हूँ उनके साथ क्या हुआ, लेकिन इनके भाई का कहना है कि मेरे भाई को जो है मरवाया गया है, क्योंकि मेरे भाई जो है अपने आप अपनी मौत नहीं कर सकते हैं। और भी यहाँ पर जो ग्रामीण है, यहाँ के तमाम जो औरत है उनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसे क्या हुआ। और भी यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे बातें करेंगे कैसे क्या हुआ, क्या जानते हैं। कमाई चल गए वे बोला के लिए घर जाए शादी है तो अपने भौजाई जौन बाड़ी वहाँ कई गो बच्चा बा? 4 गो बाल आदमी अपने का लगा था अपने के भाई साहब के मर्डर भैल बा कि अपने आप वहाँ से
किसान है कोई ना कोई भौजाई लगे बहुत मारपीट कैल से समझाओ प्रशासन मैंने मैंने पकड़ चुकल बा हाँ तब उनके पीटी लोग प्रशासन तबे जाके भाई मरे वाला ना रहा हुए पूरा बेरहमी से चारू अपने बजे पता चल हमने के पता चल बस 8:30 में ऐसा ही है 8:30 से अहने जाके हम दिन होत रहे रात होत रहे 8:30 ना दिन में था लगा दिन में था लगा बाप के जमा भाई मर गइल ना इने से पूरा उहे बोला के लेली सॉरी टोला ओर से देखना लोग तब घर के जाके तब लाए देखा तो घर में से खींच के आइए घर में कोई रहे मलैया आलम पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट मिलल बा कि ना हम तो कल गए रही सब दिन देखियो कब तक ले प्रशासन आश्वासन देलो ई माने बताइले वाले कोई बात 10 दिन कोई बात 20 दिन में खा लागे अपने का काम चाची अपने का लागता माने अपने के का काल लागत रहनी हो अपने का बहन बैठा हुआ है अभी आए हैं और भी एक यहाँ पर है उनसे बातें करें अपने के घर के माने बगल में जो घटना भई बा एकरा बारे में अपने का जानते हैं जी हमें ना कि तकले काम सुबह उठने खाना ना बना लेने तो गांव के मतलब दूसरा आदमी आके हमसे कॉले बांध दे घर में आदमी बोल नहीं रहा था तो घर में आदमी उनके औरत जानू सुतेला आंगना के अपने को का लगे हमार दियादी ना कर वहां कोई को बच्चा लो तीन को बेटी एक बेटा ऊपर घर कहां रहल उनका घर ऊपर नोयर कहां रहल नोयर कहां की रहिया चिरैया चिरैया ढाका के अपने जोन का लगा तो माने अब वहाँ के मारल गई बाकी मर्डर भइल बे का भइल अब हमनी से तो देख लेने के कहल तो मार लगे नहीं होई तब ना उतना भारी में मर्डर कइले बा प्रशासन यहाँ आई रहे हां प्रशासन आ रहा है प्रशासन अपन लगे का आश्वासन देले भाई घर के लोग का आश्वासन देले अब उतना तो अच्छी नहीं कि मैंने हर लोग काफी बोल रहे मैंने कि सुने में तो आ रहा है कि 20 दिन में पोस्टमार्टम के रिपोर्ट पता चला इतना आए कि उसको मैंने मारा गया है मेरी भाभी जो है मरवाई गई है अब किसी से मरवाए उसको उसको पकड़वाया भाभी से सकरवाया जाए तो बताए कि कौन कौन है जो भी मेरे भाई को हत्या किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली मैं प्रशासन से नमन अनुरोध करूंगा कि इस घर के जो बासिंदे हैं उनको न्याय मिले और जल्द से जल्द मिले क्योंकि ये जो मामला है संगीन है कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। नमस्कार रक्षौल खबर।